धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है भीकाराम और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बी आर बी फोटो एंड वीडियो। तो दोस्तों एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ वेडिंग एनिवर्सरी व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग। बहुत ही गजब का होने वाला है। जो दोस्तों लास्ट में दो वीडियो बनाए थे उन पर आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला था, तो मैंने सोचा यार ये एक व्हाट्सअप स्टेटस भी वीडियो लेकर आना चाहिए। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आज का बहुत ही शानदार और ट्यूटोरियल वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक बिल्कुल फ्री है दोस्तों, लाइक करने से हमें मोटिव मिलता है कि हमारा वीडियो कितने परसेंट अच्छा बनाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ से प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और यहाँ से आपको सर्च करके भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली एप्लीकेशन है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। प्रिंसेस फोटो को कॉलोब ये वाली है, इसको है जो सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। और मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, मैंने ओपन करी। ओपन करने के बाद में स्टार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। स्टार्ट के जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी है जो ओपन हो जाएगी। आपकी गैलरी ओपन होने के बाद में आपको है जो फोटो सेलेक्ट कर लेने, जितने भी फोटो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से 20-25 जितने भी आपको मन चाहे इतने 10-15 जो भी फोटो आप चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ फोटोज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फोटो सेलेक्ट करने के बाद में आपको आगे की प्रोसेसिंग बताऊँगा किस तरीके से है जो करना है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों ऐसी वीडियो बहुत कम लोग लाते हैं। तो दोस्तों मैंने है जो एक बहुत शानदार मेहनत करके वीडियो बनाया, तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको नीचे के हार्ट की इमोजी दिख रही है, यहाँ पर सेप्स पर आपको क्लिक कर देना है। सेप्स के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेप्स मिल जाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद में जिस भी शेप में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर वाइज शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली वहाँ से ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी गैलरी में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड फ्री पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन का काम पूरा हो चुका है, अब चलते हैं हम प्ले काइंड मास्टर पर। तो दोस्तों ये काइंड मास्टर एप्लीकेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो फ्री वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो काइंड मास्टर एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होती है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके 4.5 के रेजोल्यूशन फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये वाली फ्रेम है जो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और आपके काइंड मास्टर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आ जाना है और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी ओपन होने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से एक कलर को सेलेक्ट कर लेना। तो मैं इमेज आर्टिस्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी कलर आपको ठीक लगता है वो कलर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद में इसकी लेंथ को है जो बढ़ा देना है जितने लंबा आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर है जो इसको 15 सेकंड तक कर देता हूँ, ठीक है, 15 सेकंड कर देता हूँ। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 15 सेकंड मैंने इसकी लेंथ को कर दिया। फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और आपको एक बैकग्राउंड वीडियो फोटो को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड फोटो है जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है, तो इस वाले फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके स्लिप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद में इसकी लेंथ बैकग्राउंड के हिसाब से आपको बढ़ा देनी है, जितना आपका बैकग्राउंड है उस हिसाब से लेंथ को भी यहाँ पर बढ़ा देना है, ठीक है। लेंथ को बढ़ाने के बाद सिंपली लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और एक फोटो को सिलेक्ट करेंगे, कपल्स फोटो को। दोस्तों आप मैरिज एनिवर्सरी वीडियो बना रहे हैं तो आपको एक कपल्स फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर मैं एक कोई सा भी फोटो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लेना है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको इसको जूम कर लेना है। तो दोस्तों फोटो यहाँ पर करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन कर देना है। यहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग कर देना है, फ्रेम के अकॉर्डिंग साइज़ को कर देना है और आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। ऊपर 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। सेंड टू बैक करने के बाद में इसकी लेंथ को भी है जो आपको बढ़ा देना है, जितना आपका वीडियो बैकग्राउंड है उस हिसाब से इसकी लेंथ को और फोटो फ्रेम के हिसाब से आपको बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ाने के बाद में फोटो पर टैप करेंगे, जो फ्रेम हमने सेलेक्ट की थी उस पर टैप करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रोमा की। क्रोमा की का ऑप्शन यहाँ पर है, इसको इनेबल कर देना है। अब दोस्तों अगर रेड कलर आपको नहीं आ रहा है तो कलर की पर क्लिक करके रेड कलर को सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, रेड रेड भी नहीं आना चाहिए, मतलब रेड बॉर्डर है जो या एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए और फ्रेम में भी रेड बॉर्डर नहीं आना चाहिए। अब दोस्तों इस फोटो को है जो थोड़ा सा आपको सही से सेट कर देना, अगर ये सही नहीं है आ रहा है तो इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको है जो रिप्लेस कर देना क्योंकि फोटो मतलब सही नहीं लग रही है मुझे, मतलब कपल सारे बरूबर नहीं आ रहे, तो इसको क्या करेंगे हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये वाले
पहले फोटो है जो इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस फोटो से, और इसको है जो आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको है जो इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। देन एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और बैक आ जाना है। अब दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको है जो एक लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और वीडियो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये वाली बैकग्राउंड वीडियो है, सॉरी इफेक्ट वीडियो है, इसको है जो हमने सेलेक्ट करेंगे और इसको रोटेट कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद में इसको फ्रेम के अकॉर्डिंग फुल स्क्रीन कर लेंगे। अगर आप चाहे तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं, अदरवाइज है जो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो मैं है जो इसको स्लिप स्क्रीन बंद कर देता हूँ और मतलब फ्रेम के हिसाब से फुल कर लेता हूँ। फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली जो फोटो फ्रेम है इसको है जो फ्रंट कर लेना है। ठीक है, तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और इसको है जो ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। ठीक है, अब फ्रंट करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं इस वाले फ्रेम पर हम क्लिक करेंगे, जो वीडियो अभी इफेक्ट वीडियो हमने सेलेक्ट किया है इस पर हम टैप करेंगे और इसको है जो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लडिंग का, ब्लडिंग का ऑप्शन क्लिक करके स्क्रीन आपको कर देनी है। अब दोस्तों देख सकते हैं ये इफेक्ट है जो फोटो के ऊपर आ चुका है। सिंपली इस वीडियो को क्या करना है, आपको है जो एक्सपोर्ट कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें चेंजे, सब आपको सिर्फ एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को है जो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जब तक ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पर नए हैं और भी ऐसे। तो दोस्तों ये वीडियो है जो एक्सपोर्ट हो चुकी है। एक्सपोर्ट होने के बाद में आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आ जाना है आपको सिंपली, और यहाँ पर प्रोजेक्ट पर वापस से क्लिक करना है। तो यहाँ पर से मैंने न्यू प्रोजेक्ट है उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके सेम साइज को सिलेक्ट कर लेना है। 1.4.5 की साइज को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके क्रिएट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर फिर बैक कर लेते हैं और सेम प्रोसेस हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद आपको क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट के ऑप्शन क्लिक करके इमेज आर्टिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड हुई इमेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी इमेज कलर आपको ठीक लगता है वो इमेज कलर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेम है ड्यूरेशन आपको यहाँ पर रख देनी है। तो मैं है जो इसके 15 सेकंड कर देता हूँ, हालांकि मुझे है जो व्हाट्सअप स्टेटस बनाना है तो यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं। फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और जो वीडियो अभी आपने एक्सपोर्ट की थी उस वीडियो को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके आपको है जो और स्क्रीन करेंगे, स्लिप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन आप कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद में एक्स्ट्रा पार्ट जो भी रहता है बैकग्राउंड का उसको है जो आपको ट्रिम कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ट्रिम करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो फोटो हमने फर्स्ट में बनाई थी उस फोटो को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमने है जो इस फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करके इसको क्या करना है, जूम कर लेना आपको। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ और इसको जूम कर देना, कुछ इस तरीके से आपको जूम कर देना है। देन यहाँ पर जूम करने के बाद में आपको क्या करना है, इस फोटो पर टैप करेंगे और इसको है जो एंड तक ले जाएंगे। ठीक है, इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे। लेंथ को बढ़ाने के बाद में साबी का आइकन आपको दिख रहा है, साबी के आइकन पर आप क्लिक करेंगे। तो पहले हम क्या करें, इसको है जो थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ और इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। ठीक है, अब सेंड टू बैक करने के बाद में दोस्तों क्या करेंगे, इस वाले फोटो पर टैप करेंगे, फोटो पर टैप करके साबी के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एंड पर आ जाएंगे। ठीक है, एंड पर आने के बाद में इस फोटो को खींच कर आपको है जो जहाँ पर एक नंबर है वहाँ तक आपको ले जाना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे फोटो है जो फुल झूम होनी चाहिए ताकि है जो आसानी से मतलब चल सके। ठीक है, इस तरीके से अब दोस्तों क्या करना है, जो वीडियो अभी हमने एक्सपोर्ट की थी उस वीडियो पर टैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूसरा जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट की थी, जो वीडियो हमने फर्स्ट में बनाई थी उस वीडियो पर टैप करेंगे। टैप करके आपको जो ब्लू कलर है इसको रिमूव करना है। तो इसको किस तरीके से करना है वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रोमा की, तो क्रोमा की का ऑप्शन क्लिक करेंगे और ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे ही मैंने किया, यहाँ पर कलर की पर क्लिक करेंगे और डार्क ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं जो फोटो मेमोरीज थी वो है जो इसके अंदर आ चुकी है, जो एक नंबर लिखा हुआ था उसके अंदर, और जो कपल्स फोटो है जो आ गए हैं और इफेक्ट वीडियो भी हमने लगा दिया। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि वीडियो कैसी बनी है। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज अब लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और एनिवर्सिटी पीएनजी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से एक एनिवर्सिटी पीएनजी फोटो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों जो भी मटेरियल मैंने इस वीडियो में यूज़ किया गया है उसके सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दो पार्ट हमने पहले भी बना दिया एनिवर्सिटी वीडियो के, वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाइए और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये वाली पीएनजी है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके आपको नीचे यहाँ पर लगा देना है और सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। और आपको जो कोई सॉन्ग अच्छा लगता है वो सॉन्ग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सॉन्ग कैसे ऐड करना है वो मैंने बहुत सारे वीडियो में है जो आपको बता दिया है। यहाँ पर इस वाली पीएनजी को है जो आपको यहाँ पर ले आना है।
यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेट कर देना है, सेट करके आपको ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं मिलता हूँ किसी नाइट के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।